अध्यापक दिवस के अवसर पर हमीरपुर के शिक्षक नरदेव सिंह राणा को राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया है। हमीरपुर में वेबिनार के माध्यम से सादे कार्यक्रम के दौरान नरदेव सिंह राणा को राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया है। नरदेव सिंह राणा हिमाचल से एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। अवार्ड मिलने के बाद नरदेव सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों, परिवार और शिक्षा विभाग के साथ छात्रों को दिया है। वहीं नरदेव सिंह ने अवार्ड को राष्ट्रपति के हाथों से न मिलने पर थोड़ा मलाल जताया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में जब कोरोना महामारी दूर हो जाएगी तो अवार्ड विजेताओं को राष्ट्रपति से मिलने का मौका जरूर मिले। नरदेव सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति अवार्ड मिलना बड़े सम्मान की बात है और ये अवार्ड मेरे और मेरे छात्रों व शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न कार्य का परिणाम है। मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, स्पेशली फॉर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए एंड फॉर ऑल द हमारे जितने भी एजुकेशन कम्युनिटी है और हमारे टीचर्स हैं सारे, उन सब के लिए प्राउड मोमेंट है और स्पेशली मेरे माँ बाप के लिए, मेरे स्कूल के लिए और उन सभी बच्चों के लिए और उन सभी अध्यापकों के लिए जो मेरी पाठशाला में मेरे साथ कार्य कर रहे हैं। पिछले 5 और 10 साल से हम काफ़ी प्रोग्रेसिव काम हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किया है और उसमें अकेला मेरा रोल नहीं है, बच्चों का रोल भी उसमें बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए वाकई ही बहुत ही प्राउड मोमेंट है और एक राष्ट्रीय लेवल का शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करना और वो भी राष्ट्रपति जी के हाथों, ये तो और भी गर्व का विषय है। नरदेव सिंह ने कहा कि अगर ये अवार्ड प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के हाथों मिलता तो हमारी खुशी और दोगुनी हो जाती, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सरकार के फरमान और आदेश मानना जरूरी है। वहीं उन्होंने सरकार से मांग की है कि जब कोरोना का संकट हट जाएगा तो सरकार अवार्ड प्राप्त अध्यापकों का राष्ट्रपति के साथ मिलन करवाए। वैसे तो ये अवार्ड हमें राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलना था, लेकिन अब ये ऑनलाइन मिला है, माननीय हमारे जो DC महोदय है उनके हाथों से प्राप्त हुआ है लास्ट में। तो खैर, वैसे अगर ये राष्ट्रपति जी के हाथों मिलता तो हमारी जो खुशी थी वो दोगुनी होती। इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम अपने आप को ऐसा कोरोना को क्या बोलें, अब कोरोना के कारण ये सारी ये जो महामारी है इसके कारण हमारी ये जो खुशी थी उस खुशी में थोड़ा सा विराम लग गया, पर फिर भी पहले जान है तो जहान है और जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनको मानना, सरकार, क्योंकि मैं सरकारी मुलाजिम हूँ इसलिए सरकार के आदेशों का पालना करना ये मेरा सर्वप्रथम कर्तव्य है। फिर भी एक दिल में थोड़ा सा है कि ये प्राइज़ के बाद जब सिचुएशंस नॉर्मल हों तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी, हमारी सरकार जरूर सोचे कि जो हम थोड़ा सा राष्ट्रपति जी से जो आशीर्वाद वहाँ पे हमें फिजिकली मिलना चाहिए था उसका भी कुछ अरेंजमेंट हो जाए बाद में, तो हमारे लिए ये जो सम्मान है इसमें और 4 चांद लग जाएंगे। अवार्ड मिलने पर नरदेव सिंह ने अपने छात्रों का भी आभार जताते हुए कहा कि जो भी शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग किए थे उनको छात्रों ने अच्छे ढंग से अपनाया है। साथ ही NSS के कामों को भी सभी ने सराहा है, जिसके चलते आज दूसरी बार राष्ट्रपति अवार्ड के लिए मुझे चुना गया है। ये जो अचीवमेंट जो आज मेरे को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, इस पुरस्कार के पीछे बहुत लोगों का हाथ है, क्योंकि ये अकेले आदमी के बस में नहीं होता है। हमें ग्रास रूट लेवल पे अपनी सारी जो इनोवेटिव स्कीम्स हैं, इनोवेटिव टीचिंग है, उसको बच्चों के बीच में हमें चलाना होता है और बच्चों के रिस्पॉन्स इसमें बहुत मायने रखते हैं। तो आई थैंक्स टू ऑल माई स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे जो इनोवेटिव टीचिंग है और मेरा जो सामाजिक कार्य है और मेरा जो सोशल और जो नेशन बिल्डिंग और नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो व्यक्तित्व मैं उनके अंदर देखना चाहता था, और उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से रिस्पांस दिया, बहुत बढ़िया रिस्पांस दिया, जिस रिस्पांस को और जिस रिफ्लेक्शन को पूरे देश भर में सराहा गया और भारत सरकार ने उसका आकलन करते हुए, इंडिपेंडेंट ज्यूरी ने उसका आकलन करते हुए मुझे इस प्राइज के लिए चुना। नई शिक्षा नीति को लेकर नरदेव सिंह ने शिक्षा विभाग के हित के लिए सही बताया है। उन्होंने कहा कि ये नई शिक्षा पॉलिसी जल्द लागू किए जाना चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि नैतिक शिक्षा और अध्यात्मिक शिक्षा की कमी हो गई थी, जिसे अब नई शिक्षा पॉलिसी से बल मिलेगा। नई शिक्षा नीति अगर कहीं देखा जाए तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के हित में ही है।
स्पेशली ये देश हित में है और मैं चाहूँगा कि ये जो पॉलिसी है सरकार की ये तुरंत स्कूलों में लागू होनी चाहिए और हम स्टूडेंट्स टीचर्स को जो कि पिलर्स हैं गवर्नमेंट के शिक्षा नीति के शिक्षा विभाग के जो ग्रास रूट लेवल पे इन सारी स्कीमों को इम्प्लीमेंट करते हैं हम सभी बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं कि कब सरकार इन इस स्कीम को आगे लाती है क्योंकि बच्चों का चहुमुखी विकास भी इससे संभव है और बहुत अच्छे बदलाव आपको देखने में मिलेंगे बच्चों के अंदर नैतिक शिक्षा नैतिकता ये इस पॉलिसी के थ्रू जो हमें देखने को मिलेगी जो कि कहीं ना कहीं पिछले 5-7, 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि बच्चों के बीच से ये जो नैतिक और जो आध्यात्मिक जो एक शांति का एक परिचायक है हमारा आध्यात्मिक शक्ति वो शक्ति बच्चों के बीच से कहीं ना कहीं गायब हो रही है जो बहुत ही चिंता का विषय है। नरदेव सिंह ने अध्यापक दिवस पर संदेश देते हुए कहा कि अध्यापक दिवस के दिन गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अध्यापक दिवस की कोरोना की वजह से खुशी कम रही है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों के लिए सभी का प्यार बना रहे। अध्यापक दिवस एक गुरुओं का सम्मान है और ये दिवस पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी टीचरों हमारे अध्यापक जो हैं उनको स्पेशल एक आशीर्वाद देते हैं लेकिन कोरोना के कारण कहीं वो जो खुशी थी वो जो अरेंजमेंट था जो कि नेशनल लेवल पे टीचर्स के सम्मान में ऑर्गेनाइज किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है इस वर्ष। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो सम्मान जो आदर अध्यापकों को मिलना चाहिए वो सम्मान निरंतर आगे भी बना रहे इसी तरह से सरकार की तरफ से भी सोसाइटी की तरफ से भी समाज की तरफ से भी। नरदेव सिंह की पत्नी सरोज ने कहा कि नेशनल अवार्ड मिलने पर परिवार वाले भी बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि नरदेव सिंह को परिवार का भी हर समय पूरा सहयोग मिलता रहा है। सर मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को आज प्राइज मिला और रियली वो डिज़र्व करते थे ये प्राइस क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो स्कूल में बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं जितना वो घर में नहीं करते जितना बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं और स्कूल के लिए और बच्चों के लिए वो हमेशा कार्यरत रहते हैं।